राधे तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशासंभूता आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापा अद्व्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया इत्यादि। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। सब संसार उसी से पैदा हुआ है। आनंदो ब्रह्मेति बजानात आनंदात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवंत। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। ओ आनंद रूप है, उसी से ये संसार प्रकट हुआ है। नश्वर जड़ दुख रूप। आश्चर्य हुआ ऋषियों को कि उल्टा संसार कैसे भगवान से प्रकट हुआ। तो वेद ने उत्तर दिया, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्या मौषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केश लोमानि तथाक्षरात् संभवति हि विश्वम्। देखो आप लोग जीवधारी है, शरीरधारी जीव। हाँ, आपका शरीर चेतन है। हाँ, कहीं सुई चुभाओ दर्द होता है। हाँ, लेकिन बाल काटो तो नहीं होता। आराम से बैठा हुआ कुर्सी पे बाल कटवाते कटवाते सो गया। नाई ने कहा, हुजूर हो गया, बन गया। अरे बन गया, हम तो नींद आ गई थी। नाखून काटते हैं आप लोग, ये बाहर से जोड़ा नहीं गया, इसी से निकला है चेतन से जड़। हा, बड़ा ताज्जुब है, चेतन से जड़ कैसे पैदा हो गया। ये आपके शरीर में इतनी विचित्रता है। भगवान तो दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै। 10:3-19। वसुदेव ने कहा था, फिर सांडिल्योपनिषद ने भी कहा, यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा। 2:1। नृसिंहतापनीयोपनिषद ने भी कहा गया, एषा माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं संरक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मादेतां मायां शक्तिं विद्यात्। 3:1। छांदोग्योपनिषद भी कहता है, तज्जलानित शांत उपासित तज्ज, ये उससे पैदा हुआ है संसार। 3:14-1। आयतरोपनिषद भी कहता है, स इच्छत 1:1-1, 1:1-3, 1:3-1, तीन जगह ये मंत्र है। प्रश्नोपनिषद भी कहता है, स इच्छान चक्रे 6:3,
उसने इच्छा की, उसने देखा, उसने सोचा। आप कहते हैं वो साकार हो ही नहीं सकता। छांदोग्य उपनिषद फिर कहता है तदाइच्छत, छा दो तीन। बृहदारण्यकोपनिषद भी कहता है सइच्छत, एक दो पांच। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं। और स्मृति प्रस्थान में सबसे पहले भागवत में कहा गया जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट, पहला श्लोक। ये श्री कृष्ण कौन है पहले समझ लो, जिससे संसार प्रकट हुआ। वेदांत आया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म किसे कहते हैं ये क्वेश्चन पहले सूत्र में, दूसरे सूत्र में उत्तर जन्माद्यस्य यतः, जिससे संसार प्रकट हुआ उसका नाम श्री कृष्ण भगवान। Connect with your eternal love. God. Love God, practice bhakti and attain eternal happiness. Study Sanatan Vedic Dharma, the eternal knowledge of the Vedas, and practice Roop Dhyan daily. Sanatan Vedic Dharma by Jagatguru Kripalu Parishad. Download today